एज अ पेरेंट आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, और जितना आपसे हो सकता है, बन पड़ता है, आप उनको सिक्योर रखने की, सेफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर आप भूल जाते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट पर भी बच्चों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आजकल के सिनेरियोज में जबकि बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, सब कुछ वो लोग इंटरनेट पर कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं हूँ अंकित और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने बच्चों की ऑनलाइन इंटरनेट पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो सबसे पहली बात, जब भी आपका बच्चा इंटरनेट यूज करना स्टार्ट करे तो उसको बहुत ही क्लियरली समझाइए कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और इस पर जो भी एक्टिविटी वो करने जा रहा है उसका, वो एक्टिविटी करने से उसके ऊपर, उसकी इमेज पर किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आप उससे रेगुलरली टच में रहिए, बातें करते रहिए, पूछते रहिए कि किस तरह से इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, क्या ब्राउजिंग इस पर वो कर रहा है और किस तरह से इस इंटरनेट से वो बेनिफिट उठा पा रहा है अपनी स्टडीज़ के लिए या फिर अपने रिसर्च वर्क के लिए। इस तरह के डिस्कशन को आप एक हैबिट बना लीजिए, रेगुलरली करते रहिए उसके साथ। अगर ये सारी चीज़ें बच्चा काफ़ी अच्छे से समझ लेगा तो वो काफ़ी कम चांसेस हो जाएंगे कि वो कोई नादानी कर पाएगा इंटरनेट पर। इंटरनेट पर दुनिया भर के एड्स हमेशा डिस्प्ले होते रहते हैं, तो ऐसे में कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके बच्चे के सामने कोई ऐसा ऐड या ऐसा लिंक आ जाए जिस पर वो क्लिक कर दे और कुछ ऐसा कंटेंट डिस्प्ले हो जाए जो उसके लिए देखना अप्रोप्रिएट ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कुछ बातें कर सकते हैं, आइए देखते हैं वो सेटिंग्स क्या हैं। एक ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है जिसका नाम है सेफ सर्च। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो भले ही ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक किसी भी तरह के एक्सप्लिसिट या वायलेंट कंटेंट से आप बचा पाएंगे अपने बच्चे को। इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल सेटिंग्स में और वहाँ ऑन करना होगा आपको सेफ सर्च को, कुछ इस तरह। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है गूगल फैमिली लिंक ऐप का। तो आप इस ऐप को अपने और अपने बच्चे के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसको बताकर इंस्टॉल करिए और इसको यूज़ करने की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। सो इस ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके अप्रूवल के बिना कोई भी ऐप आपका बच्चा इंस्टॉल ना कर सके अपने फ़ोन में। साथ ही साथ ये ऑप्शन देता है आपको टाइम लिमिट्स सेट करने की किसी भी ऐप को यूज़ करने के लिए, जैसे कि आप कोई भी ऐप कितनी देर तक बच्चा यूज़ कर सकता है वो टाइम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसके फ़ोन को रिमोटली अपने फ़ोन के थ्रू डिसेबल भी कर सकते हैं अगर उस दिन का कोटा वो ख़त्म हो गया या उसने बहुत सारा यूज़ कर लिया अपना फ़ोन, अपने कोटा बियॉन्ड कोटा चला गया, तो आप उसको अपने फ़ोन से बैठे बैठे डिसेबल भी कर सकते हैं। ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप को आप, और आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी है, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर ही अवेलेबल है। एक और बात, बहुत बार होता है कि आपका बच्चा यूज़ कर रहा होता है फेसबुक, ट्विटर या और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम वगैरह, तो उस पर नए नए फ्रेंड्स उनको बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। लोग अपने नए फ्रेंड्स बना लेते हैं जिनको फिजिकली जानते नहीं हैं, कभी मिले नहीं होते हैं ऐसे लोगों से। तो ऐसे हर किसी फ्रेंड को आप शक की नज़र से देखिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान, वो आदमी, वो लड़की कौन है जो उस कैमरे के पीछे बैठी हुई है, उस सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे बैठी हुई है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ की पहचान नहीं कर लेंगे वो कौन है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और यू नेवर नो कि कैमरे के दूसरी तरफ या फिर फ़ोन के दूसरी तरफ या फिर सोशल मीडिया अकाउंट के दूसरी तरफ कौन बैठा है और उसके क्या इंटेंशंस हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को फोटोज शेयर करने की या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन बिल्कुल ना दें। अगर किसी वजह से उनको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटोज शेयर भी करनी है तो ऐसी हैबिट बना लें कि पहले वो आपसे परमिशन लें और उसके बाद ही शेयर करें। क्योंकि एक बार आपने जो फोटो इंटरनेट पर डाल दी उसको आप बाद में डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने वो देख ली होगी, कितने लोग उसको डाउनलोड करके अपने पास बैठ गए होंगे और उसका किस तरह से यूज़ करेंगे, यू नेवर नो। इस बात का ध्यान रखें, जितनी ये बात बच्चों पर लागू होती है उतनी ही आप पर भी लागू होती है। क्योंकि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा अपने बच्चों की बहुत सारी फोटोज उठा के वो फेसबुक पर या इधर उधर कहीं भी सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें जब भी आप अपने बच्चों की फोटोज़ को पोस्ट कर रहे हैं कहीं पर भी ऑनलाइन, इस चीज़ को लेकर थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, एक बार आपने फोटो डाल दी, चाहे उसे आप बाद में डिलीट भी कर दें, यू नेवर नो कि वो कौन अपने पास डाउनलोड करके बैठ गया और उसका किस तरह से यूज़ कर सकता है। तो अपने बच्चों को बहुत क्लियरली समझा के रखें कि किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि
एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह कहीं पर भी इंटरनेट पर ऐसे ही नहीं डालने हैं, पहले आपसे परमिशन लेनी है, उसके बाद ही कहीं भी डालें, कहीं भी उनको इंटरनेट पर यूज करें। एक और बात, बहुत बार होता है कि आपके ईमेल आईडी पर या बच्चे के ईमेल आईडी पर कोई मेल आती है जिसमें उसको कोई काम करने को कहता है कि भाई तुम ये काम कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, मतलब कुछ इस तरह का कि वो बच्चे को थ्रेटन करता है कुछ करने के लिए। तो बच्चों को क्लियरली एडवाइस करके रखें कि इस तरह की किसी भी ईमेल का रेस्पॉन्स उनको नहीं करना है, रिप्लाई नहीं करना है। अगर किसी अननोन बंदे से आ रही है इस तरह की कोई ईमेल, सिंपली कंसल्ट विद योर पेरेंट्स, आप लोगों से बात करें, देन यू डिसाइड कि उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। जो वेबसाइट्स बच्चे कॉमनली यूज करते हैं उनको बुकमार्क करके रखिए ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, सफारी में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें उनको आप बुकमार्क करके रखिए, ताकि पॉसिबिलिटी कम हो जाए इस चीज की कि बच्चा अनवांटेड किसी लिंक पर क्लिक कर दे इंटरनेट पर सर्च करते करते। तो बुकमार्क्स का यूज करना स्टार्ट कीजिए। इंटरनेट यूसेज की टाइम लिमिट्स डिफाइन करनी चाहिए बच्चों के पर डे यूसेज के लिए, जैसे कि दिन में 2 घंटे 3 घंटे टोटल लिमिट डिफाइन कीजिए, और एक शिफ्ट में कितना वो एक बार में यूज कर सकता है इंटरनेट, इस चीज को भी डिफाइन कीजिए। जैसे कि अगर दिन में 2 घंटे या 3 घंटे की आपने टाइम लिमिट बनाई है तो एक बार में 30 मिनट की सेट कर सकते हैं, 45 मिनट की सेट कर सकते हैं, और जब एक दिन का कोटा पूरा हो जाए उसको एक्सटेंड ना करें। बच्चा चाहे कितनी भी जिद करता रहे लेकिन आप इंटरनेट को बंद कर दीजिए उसके लिए, ये एक हैबिट बना लीजिए ताकि वो अनवांटेडली इन चीज़ों की डिमांड ना करता रहे। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि रात को सोते टाइम वाईफाई को ऑल टुगेदर बंद ही कर दें, ताकि वो एटलीस्ट नाइट टाइम पे भी इंटरनेट का यूसेज ना कर पाए। ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स के बारे में बच्चों से रेगुलरली बात करते रहें और उनको समझाते रहें इसकी इम्पोर्टेंस, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, और फाइनली आप भी ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स को फॉलो करें, और बच्चे भी आपको देखे थे आपसे सीखते रहें कि हाँ मेरे मॉम मेरे डैड ये सब फॉलो करते हैं, मेरे को भी ये सब करना चाहिए। तो लीड बाय एन एग्जांपल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी।